को लेकर तमाम बार यही बात उठती है कि तकरीबन 2-2.5 साल से पूरे मामले पर जांच चल रही है, मामलों का आए हुए एक लंबा वक्त हो गया, अरसा हो गया है, छापेमारी हुई, तमाम तरह से रेड मारी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है जिसको सामने रखा जा सके। और यही बात बारम्बार कही जाती रही है कि भाई अगर आपको सबूत नहीं मिलेंगे तो कितने लंबे वक्त तक आप जो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल के अंदर रखोगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तहत पूरी कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप ईडी अधिकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सबूत नहीं है। इसके बावजूद निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक यहां पर याचिका दाखिल की गई, अंतरिम जमानत की मांग की गई और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर भी सामने आए। जब देखा जाए अंतरिम जमानत उन्हें मिलती हुई नजर आई। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर कई तीखे हमले बोले, यहाँ तक भारतीय नमस्कार नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तनुज दीक्षित। एक तरफ लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से ईडी की गाज जो है गिरनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कल दिल्ली के राव जुवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपनी साइड से बात रखी कि अरविंद केजरीवाल के जो चेकअप हो रहे हैं जेल में, उसमें उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल हैं वो भी मौजूद रहे। लेकिन इस पर ईडी जो है आपत्ति जताता है। उसके बाद जो राव जुवेन्यू कोर्ट के जज थे वो ईडी को फटकार लगाते नजर आते हैं। उसके बाद ईडी एक बार फिर से टोकता है। ईडी कहता है कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 25 जून को हो, लेकिन यहां पर फिर से जज फटकार लगाते हैं ईडी को और कहते हैं कि हमें एजेंसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सुनवाई कब होगी। और आज अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई हो रही है और आज पता लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत होगी या फिर नहीं। कुछ सवाल होंगे हमारे सहयोगी अक्षय से लेंगे। अक्षय, क्या स्थिति आप यहाँ पर देखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी को बार बार फटकार लगती नजर आ रही है। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट में 5 जून को फटकार लगी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि आप निचली अदालत जाकर अप्लाई कर सकते हैं अपनी जमानत के लिए। उसके बाद राव जुवेन्यू कोर्ट देखिए कल पहुंचते हैं, ईडी की फटकार लगती है जमकर और आज पेशी होने वाली है अरविंद केजरीवाल की और उनकी जमानत पर भी फैसला आ सकता है। क्या स्थिति आप देखें, क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से रिहा होते दिखाई देंगे, क्योंकि चार्जशीट में भले ही अरविंद केजरीवाल का नाम है लेकिन ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत अभी तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए तनुज, कई चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर हाल में अंतिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी 1 जून तक के लिए चुनावों के संबंधित, और खुद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें यहाँ पर अंतिम जमानत दी थी। उसके बाद अभी एकदम से जमानत मिल जाए मुश्किल है, क्योंकि ईडी के पास लगातार ये तर्क केवल केजरीवाल को लेकर नहीं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को लेकर भी रहा है कि ये प्रभावशाली लोग हैं और बाहर अगर जेल के आ जाएंगे तो ये सबूतों के साथ और गवाहों के साथ यहाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं और फिर वो सबूत और गवाह हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अक्षय, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल देखिए एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जा रहा है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर लें, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत तो मिला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक गरिमा देखनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री हैं वो एक प्रदेश के और जेल से बैठकर सरकार चला रहे हैं। देखिए कई चीज़ें तो जिसमें आती हैं, आपने जिक्र किया यहाँ पर कि मुख्यमंत्री जेल से बैठकर सरकार चला रहे हैं। मनीष सिसोदिया की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी एक सुनवाई में इस बात को कोट कर चुका है कि हाँ, मनीष सिसोदिया प्रभावशाली राजनीतिक रूप से व्यक्ति हैं और वे वाकई में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और केवल मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को लेकर बात नहीं है, कोई भी यहाँ पर व्यक्ति हो राजनीतिक रूप से वो सशक्त हो तो वो निश्चित तौर पर यहाँ जो सबूत और जो यहाँ गवाह हो सकते हैं उस केस से संबंधित, उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ निश्चित तौर पर कर सकता है। लेकिन अगर यहां पर आप इस दृष्टिकोण से देखें कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, जेल से सरकार चलाएंगे, तो देखिए यहां पर जो आरोप उन पर लगे हैं, सबसे पहले तो ईडी पर ही यहां सवाल लगातार बनते हैं और इस मामले को लेकर ईडी को कई बार कोर्ट फटकार भी लगा चुके। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईडी को फटकार लगाई है कि लंबे वक्त से आप इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, पुख्ता सबूत कहां है, वे सबूत, वे गवाह कहां है जो इस बात की ओर सीधा इशारा करते हो कि हां, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति में शामिल रहे हैं, आबकारी नीति के जरिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया हो, यह सीधे तौर पर इशारा करते हैं। ऐसे सबूत अब तक पुख्ता रूप से पेश नहीं कर पाई ईडी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह भी उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल आरोपों के चलते जेल में है, अगर कुछ सबूत ईडी के पास हैं जिसके चलते उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया गया, तो केवल मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें छोड़ दिया जाए तो यह भी बात यहां पर जायज नजर नहीं आती। तो कुल मिलाकर के देखिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर कई सुनवाइयों के बाद भारी नजर आते, एक मरतबा यहां लगता है कि ईडी अब इस मामले में पीछे खिसकती जा रही है और अरविंद केजरीवाल लीड लेकर के आगे निकल जाएंगे और यहां पर सबूतों के अभाव में यहां ईडी पीछे रहेगी और केजरीवाल जमानत लेकर के इस केस से भी होते नजर आएंगे। तो वहीं एकदम से ईडी
ऐसे कुछ तर्क पेश करते हैं जिससे अरविंद केजरीवाल इस मामले में लिप्त नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के लंबा यह मामला अब तक से खिंचता आया है और अभी भी आगे नजर आ रहा है। और रही बात मुख्यमंत्री की जमानत की, तो अभी देखिए मुश्किल लगता है कि जल्द से उन्हें फिर जमानत यहां मिल पाएगी। बिल्कुल, यहां पर देखिए कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बिना सबूतों के कब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाएगा। अगला सवाल मेरे सहयोगी अमन सर से लेंगे। अमन सर, देखिए ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, या तो देखिए ईडी उन सबूतों को अभी सामने नहीं रखना चाह रहा, लेकिन बिना सबूतों के कब तक आखिरकार एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में रखा जा सकता है? यही सवाल आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी जब चुनाव प्रचार कर रही थी सुनीता केजरीवाल, तब भी उन्होंने बोला था कि बिना सबूतों के कब तक मेरे पति को जेल में रखोगे, अगर सबूत 100 साल तक नहीं मिलेंगे तो क्या 100 साल तक उनको जेल में रखा जाएगा? तो यहां पर यह भी एक सवाल खड़ा होता है ईडी के ऊपर कि आखिरकार ईडी सबूत जो है वो सामने क्यों नहीं रख रही है? देखिए जाहिर सी बात है, इसको लेकर तमाम बार यही बात उठती है कि तकरीबन 2-2.5 साल से पूरे मामले पर जांच चल रही है, मामले को आए हुए एक लंबा वक्त हो गया, अरसा हो गया है, छापेमारी हुई, तमाम तरह से रेड मारी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है जिसको सामने रखा जा सके। और यही बात बारंबार कही जाती रही है कि भाई अगर आपको सबूत नहीं मिलेंगे तो कितने लंबे वक्त तक आप जो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल के अंदर रखोगे? आपने देखा कि चुनावों के वक्त जब उनको चुनाव प्रचार के लिए 10-15 दिन की मोहलत मिलती है, उस समय वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे कितना भी आप मुझे जेल के अंदर रख लो, कुछ भी मेरे साथ करो, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब नहीं देगी। लेकिन अब जिस तरह से उनकी हेल्थ को लेकर लगातार मामला सामने आ रहा है कि जो मांग की गई कि उसमें उनकी पत्नी को शामिल किया जाए, और ऐसे में ईडी को फटकार लगने का मतलब यही है कि ईडी वो पुख्ता सबूत, वो पुख्ता चीज़ें कह सकते हैं सामने नहीं रख पा रही जिससे ऐसा लगे कि वाकई इस पूरे के पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल जो हैं दोषी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो देखिए एक पावरफुल आदमी है, और जाहिर बात है कि ईडी बारंबार यही बात कहता रहा है कि अगर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो जो सबूत हैं, जो दस्तावेज उनके साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, इस बिना पर लगातार उनकी जो तारीख है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए मनीष सिसोदिया कह सकते हैं कि 1.5 साल के आसपास लगभग उनको हो गया जेल के अंदर, लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार ये बताती हैं कि क्या वाकई में ईडी या सीबीआई या तमाम जो जाँच एजेंसियाँ हैं सिर्फ जाँच के नाम पर किसी को भी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जेल के अंदर रख सकती हैं। अब यहाँ पर क्या होता हुआ नज़र आता है ये वाकई देखने वाली बात है, क्योंकि अगर इस तरह से मुख्यमंत्री जो इस समय सबसे अधिक ज़रूरत दिल्ली को मुख्यमंत्री की, आप देखिए कि जल को लेकर संकट लगातार दिल्ली के ऊपर, ऐसे तमाम मामले हैं जो लगातार रोज़ बरोज़ सामने आते हैं, लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर होंगे तो यहाँ पर समस्याएँ पैदा होंगी। और यही बात है कि अब या तो अरविंद केजरीवाल को अपने पास से हटना चाहिए, अगर वो नहीं हटते हैं तो यहाँ पर अदालत को उनके प्रति नरम रुख दिखाना चाहिए। अब क्या होता हुआ नज़र आया, क्योंकि देखिए पुख्ता सबूतों की बात बारंबार कही तो जाती है, ये भी कहा जाता है कि उनके खिलाफ़ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं, लेकिन अगर वो सामने नहीं आ पा रहे हैं तो बाकी सवाल उठते हैं कि क्या ईडी सिर्फ परेशान करने की बिना पे उनके खिलाफ ये पूरा माहौल बना रही है, वाकई उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, सबूत हैं, दस्तावेज हैं जिससे अरविंद केजरीवाल दोषी साबित हो पाएं? जी वाकई में, लेकिन यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के लिए एक जो बड़ा दिन होता है वो भी अब आता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और ये भी नहीं पता कि कब रिहा होंगे। अब ऐसे में अगला सवाल मेरी सहयोगी नाज़मीन से लेंगे। नाज़मीन, यहाँ पर विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो होने वाले हैं 2025 में वो सरपन है और अरविंद केजरीवाल जेल में है, आम आदमी पार्टी किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल पाएगी? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती दिखाई देंगी आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे कि लोकसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी होती दिखाई देंगी। क्या देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तहत पूरी कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप ईडी अधिकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सबूत नहीं है। इसके बावजूद निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक यहाँ पर याचिका दाखिल की गई, जमानत की मांग की गई और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर भी सामने आए, जब देखा जाए अंतरिम जमानत उन्हें मिलती हुई नजर आई। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर कई तीखे हमले बोले, यहां तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हुए इन ईडी अधिकारियों को नजर आए और साफ तौर पर उनका कहना था कि दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी को धराशायी करना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 बार अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं, जनता उन्हें लगातार लोकसभा में ना सही लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को बेहद पसंद करती हुई नजर आती है। लेकिन देखा जाए कि
अभी तक कोर्ट में सुनवाई अरविंद केजरीवाल को लेकर हुई है और होती हुई भी नजर आएंगी। ऐसे में लेकिन नाजमीन यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको, जिस तरह से देखिए समस्याएं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ रही है, दिल्ली में जल संकट देखिए समय है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मुख्यमंत्री है, तो क्या अभी अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या किसी जिम्मेदार जो यहाँ पर उनके कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? क्योंकि समस्याएं अब आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी होती दिखाई दे रही है और अभी कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही रहा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है कि अभी जेल से ही सरकार चलाऊंगा, कहीं आम आदमी पार्टी पर उल्टा पड़ता दिखाई तो नहीं देगा? देखिए, अगर हम अरविंद केजरीवाल को लेकर बात करें और अगर हम पहले दिल्ली में जल संकट को लेकर बात करें, तो गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर एक तरीके से ये भी जाल बिछाया जाता है कि जल संकट के जरिए कई ऐसे टैंकर यहाँ पर आते हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो कोशिश करते हैं कि लोगों तक पानी ना पहुँच पाए, लेकिन ये कोशिश ज़रूर होती है कि पैसे में पानी मुहैया कराया जाए। तो यहाँ पर एक माफिया का जाल देखा जाता है, उसे भी खत्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल के जरिए, उनकी पार्टी के जरिए ये भी कहा जाता है कि इन तमाम समस्याओं को समाप्त भी किया जाएगा। यहाँ तक भी आप देखिए कि हिमाचल से पानी लाने की बात यहाँ पर की जाती है, यहाँ पर हरियाणा से पानी लाने की बात की जाती है। आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि हरियाणा सरकार पानी को रोकने का काम कर रही है। यहाँ पर तमाम आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब हिमाचल से पानी आ रहा है तो आखिरकार हरियाणा इस पर आपत्ति क्यों जता रहा है। तो तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी कोशिशों में लगी है। लेकिन अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर हम चर्चा कर लें तो ईडी अधिकारियों की कार्यवाही में वो भी फंसते हुए नजर आए थे। कई समन उनको जारी हुए थे, कई नोटिस उनको जारी हुए थे। लगातार देखा जाए तो हर नोटिस को दरकिनार करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार जब ईडी अधिकारी उनके आवास पर पहुंच जाते हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उससे पहले एक बड़ी रणनीति बनाई जाती है कि पहले उनकी पत्नी इस पद को संभालती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि इस्तीफा देते ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी खुद हेमंत सोरेन यहाँ पर बता के चले जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन एक रणनीति के तहत होता है। तो अब ऐसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आम आदमी पार्टी के तहत और खुद अरविंद केजरीवाल के तहत पूरी प्लानिंग की जा रही कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वाकई वो सिद्ध हो जाते हैं, जो अभी आरोपी हैं अगर वो दोषी बन जाते हैं और वाकई उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कुर्सी पर कौन बैठेगा, कई चेहरे सामने हैं। लेकिन अभी तक जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं, क्योंकि अभी बात करें तो अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप तय नहीं हुए हैं, दोषी नहीं बने हैं। और नियम यही कहता है जब तक आप दोषी नहीं करार दिए जाते हैं, सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक आप सरकार चाहे जेल से चला लें, लेकिन जैसे ही दोषी हो जाएंगे आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना डंका बचाती है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। जी वाकई में आप देखिए अरविंद केजरीवाल के सामने थोड़ी सी मुश्किलें जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल आज जो फैसला निकलकर सामने आएगा राउज वेन्यू कोर्ट का दिल्ली का, कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे या फिर जेल में रहेंगे, और अगर जेल में ही रहते हैं तो क्या जेल से ही इस तरह से सरकार चलाते रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।